सारे आके बैठ जाओ, किसी को नहीं लगे वो या कुछ दिल के सरकार ने तुम्हें फांसी देने का फैसला किया है, कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। यह तो बड़ी खुशी की बात है, कुछ नसीब वो लोग होते हैं जो अपने वतन के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। बेवकूफ मत बनो, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, इस एज के लोग तो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। एक बार फिर सोच लो। ये देख रहे हैं आप, यह मिट्टी तुम्हारा सपना है? यह कोई मामूली मिट्टी नहीं है, यह मेरे जालिया वाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों के खून मिले हुए हैं। यह कोई मामूली मिट्टी नहीं है, यह मुझे अपने मकसद की याद दिलाती है, जो है आजादी, जिसे मैं छीन कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है इसमें मुझे आजादी मिल जाएगी? मुझे पता है मेरी कुर्बानी ऐसे जाया नहीं जाएगी। तुम कहो एक बार तुम्हें ब्रिटिश सरकार से तुम्हारी सजा माफ करने की गुंजाइश करूंगा। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला हो, तुम्हें क्या लगता है मैं अंग्रेजों के सामने सजा कम करने की भीख मांगूंगा? कल सवेरे 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मरकर भी ना मिटेगी वतन के लिए उल्फत दोस्तों। भाई हटियो, दो बच्चे आ गए। Bye.